आज हम बनाएंगे बिना मैदा गेहूं के आटे से बना हुआ नान, वो भी बिना ओवन और बिना तंदूर के। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बर्तन में हम गेहूं का आटा लेंगे और इसमें लगभग हाफ कप दही लेंगे। दही लेने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून चीनी और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, लगभग हाफ टी स्पून। बेकिंग सोडा के ऊपर लगभग 1 टीस्पून वाटर ऐड कर देंगे ताकि बेकिंग सोडा जल्दी से एक्टिव हो जाए, और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। हमने लगभग 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आप इसके प्लेस पे मैदा भी यूज कर सकते हो। हाथों के हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बराबर में ना मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया। अब हम बिल्कुल हल्का गर्म वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। पहले हम थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और इसमें तब तक वाटर ऐड करते रहेंगे जब तक इसका डो ना बन जाए, ये बिल्कुल अच्छे तरह से बाइंड ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर को ऐड करेंगे। बाइंड होने के बाद अब इसे बिल्कुल अच्छे तरह से गूथेंगे। हम इसे लगभग 2 मिनट तक लगातार गूथते रहेंगे। गूथने के बाद अब इसे ऐसे साइड में लगा देंगे। लगाने के बाद अब ऊपर से हम हल्का सा ऑयल लेंगे। ऑयल को पूरे आटे के चारों तरफ बिल्कुल फैला देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाए। नान का डो हमें सॉफ्ट ही बनाना है, बहुत टाइट नहीं बनाना है। बिल्कुल अच्छे तरह से ऑयल को ऐसे फैला लेंगे। अब इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। हम इसे लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हम इसे ढक के ही रखेंगे। 1 घंटे के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। डो में से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे हाथों से रोल करेंगे। चकली पर इसको चिपटा कर लेंगे और ऊपर से हल्का सा सूखा आटा ऐसे ऐड करेंगे और इसे रोल करेंगे ताकि हमें इसे बेलने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। चिपटा करके अब एक बेलन की हेल्प से हम इसको लंबाई में बेलेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से बेल सकते हो। हम इसे लंबाई में ही बेल रहे हैं ताकि ये बिल्कुल नान के शेप में आएगी। देखिए हमने इसका शेप ऐसा रखा है। अब हम थोड़ा सा वाटर लेंगे और हाथों की हेल्प से वाटर को ऐसे फैलाएंगे। ये प्रोसेस जब तवा गर्म हो जाए तब ये हम करेंगे। हम इसे आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। जब तवा बिल्कुल गर्म हो जाए तब हम ऐसे करेंगे और इसे गर्म तवे पे ऐसे रख देंगे। हम इसे लोहे के तवे पे बनाएंगे, नॉनस्टिक पे नहीं बनाएंगे, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हमने इसे बिल्कुल गर्म तवे पे रखा है और इसमें से बबल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए इसे लगभग 1 से 2 मिनट मीडियम या लो फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर तवे को पलटेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे, और इसे जैसे हम सेक रहे हैं ऐसे ही सेकते जाएंगे। हम इसे ऐसे गुलाई में करते हुए घुमाएंगे और इसे तब तक घुमाते रहेंगे जब तक नान का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ना कुक हो जाए। कुक होने के बाद अब हम तवे को पलटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सिका है। अब इसे एक स्पैचुला की हेल्प से अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। ये देखिए पीछे के साइड से भी ये बहुत ही बढ़िया से सिक गया है। हम इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। अब हम ऐसे ही सारा बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे, और आप चाहें तो ऊपर से बटर ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसे बिना बटर के यूज करना चाहते हो तब आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हम इसे पनीर के रेसिपीज के साथ सर्व करेंगे या आप इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें और ऊपर से बटर लगाते हुए सर्व करें। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया दिख रहा है, और ये अच्छे तरह से सिक गया है। हम इसे पनीर बटर मसाला के साथ सर्व कर रहे हैं। रेसिपी हमने चैनल में दी हुई है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।